राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, दुश्मन दोस्त हो जाए और दोस्त दुश्मन। इसके साथ ही साथ राजनीति में सिद्धांत का कोई मतलब नहीं और राजनीतिक दल के साथ ही साथ नेता भी ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि उनका चुनाव जीतना ही मकसद है। क्योंकि जैसे ही लोग इधर से उधर होते हैं और उधर वालों को फायदा होता है तो वो नेता को अपनी पार्टी में रख लेते हैं। यही कारण है कि संघर्ष कोई नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि सत्ता हमेशा उनके साथ रहे और वो सत्ता का सुख भोगते रहे। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी तोड़ने वाली बीजेपी एक बार फिर शिवसेना से हाथ मिला सकती है। इसका कारण है शिंदे गुट के विधायकों का पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होना। इसी से शिंदे और बीजेपी में काफी रस्साकशी चल रही है। अब खबरों की माने तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं। मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में उद्धव ने बीजेपी के साथ सुलह का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल दिवाली के एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की जरूरत है। उनके बयान का उद्धव ने स्वागत किया और कह डाला कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो तुरंत इसकी पहल कीजिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल कर दिया, खासकर तब जब बीएमसी चुनाव सिर पर है और शिंदे सरकार के मंत्री आपस में ही उलझ रहे हैं। ठाकरे का बीजेपी को लेकर ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर तब जब ठाकरे बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। उसी लड़ाई के चलते ठाकरे को न सिर्फ सीएम पद छोड़ना पड़ा बल्कि सालों पुरानी शिवसेना पार्टी के नाम से भी हाथ धोना पड़ा। जानकारी देते चले कि ये मामला कहां से उठा है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात की। राजनीति में बहुत कड़वाहट होती है, इसे खत्म करने की जरूरत है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, अगर आपके मन में कड़वाहट खत्म करने का ख्याल आ गया है तो आपको तुरंत पहल करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का सामना में बीजेपी के साथ सुलह के संकेत देना महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अप्रत्याशित है, इसलिए भी क्योंकि उद्धव इसी बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने के आरोप लगाते रहे। उद्धव गुट कहती रही है कि बीजेपी की वजह से ही उनकी पार्टी में फूट पड़ी और एकनाथ शिंदे अन्य पार्टी विधायकों के साथ बीजेपी में जा मिले और सरकार बनाए। इसके साथ ही साथ अंधेरी ईस्ट चुनाव में बीजेपी का अपना उम्मीदवार ना खड़ा करना भी दर्शाता है कि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। जानकारों की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी बिना शिवसेना के अधूरी है, क्योंकि दोनों जब एक साथ आते हैं तो धमाल करते हैं और राज करते हैं, लेकिन आजकल दोनों अलग हैं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब देखना होगा कि ये सही में मिलन हो रहा है या एक सपना है।